जब तक पाकिस्तान का सालाना बजट नहीं आया था, तब तक मुझ जैसे करोड़ों लोगों की हालत उस मनुष्य जैसी थी जो हर रात ये सपना देख के उठ बैठता था कि वो जंगल में है और उसकी टांग एक बारह सिंगे के सींगों में फंस के टूट गई है और उसे बारह सिंगा घसीटता हुआ ले जा रहा है। ये आदमी इस सपने से इतना तंग आया कि एक दिन खुद ही चिड़िया घर जाके बारह सिंगे के सींगों में टांग फंसा के तोड़वा ली। आसपास वालों ने पूछा, ये क्या पागलपन है? उसने कहा कि टांग तो गई पर रोज रोज टूटने के भयंकर सपने से तो जान छूटी। 12 जून को पाकिस्तान का बजट घोषित होने के बाद हमें भी अब उल्टे सीधे सपने आने बंद हो गए हैं। पिछले 4 दिन से इतने सुकून से सोते हैं क्योंकि सारे खौफ और खटके ख़त्म हो गए। पता चल गया कि अगले वर्ष में भी महंगाई इतनी ही रहेगी, तनख्वाह पे टैक्स और ज़्यादा कटेगा, बड़ी मछलियाँ पहले की तरह अब भी टैक्स का जाल काट डालेंगी, अगर सरकार ने ज़्यादा ज़िद की तो कहीं ये वेल मछलियाँ जाल ही साथ ना ले जाएं। यदि सरकार ने वही रास्ता चुना जो हर साल का है, यानी जो पहले से टैक्स दे रहा है उस पे और बोझ लाद दो और जो नहीं दे रहा उसे थोड़ा सा धमकाओ, ना डरे तो आगे बढ़ जाओ। मसलन सरकार ने चंद महीने पहले ताजिर दोस्त के नाम से एक स्कीम शुरू की। कहा गया कि जो छोटे व्यापारी इस स्कीम में रजिस्टर होंगे उनसे 12 महीने का टैक्स एक साथ नहीं दिया जाएगा। 35 लाख ताजिरों में से सिर्फ 115 ने खुद को पिछले 2 महीनों में रजिस्टर करवाया है। वैसे भी हमें कोई टेंशन नहीं क्योंकि सब जानते हैं कि ये देश नहीं बल्कि ऊपर वाले का चमत्कार है। सबूत ये है कि हमारा खर्चा 200 रुपये है, कमाई केवल 100 रुपये। इस 100 रुपये में से भी 58 रुपये तो चार सूबे ले जाते हैं, केंद्रीय सरकार के पास 42 रुपये बचते हैं। इन 42 रुपयों में से 55 रुपये कर्जों के ब्याज में निकल जाते हैं और 50 रुपये सेना, ब्यूरोक्रेसी और जनता की प्रगति के नाम पे नेताओं की सेवा पे लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गर्मी से मेरा दिमाग भी चल गया है, भला 42 रुपये में से 105 रुपये कैसे खर्च हो सकते हैं? यही तो चमत्कार है। हमारी जीडीपी में कृषि का हिस्सा 21% है मगर इस सेक्टर से सिर्फ 1% टैक्स मिलता है, जबकि पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों की आधी सीटों पे बड़े जिम्मेदारों का कब्जा है। होलसेल और रिटेल व्यापार का जीडीपी में हिस्सा 18% है मगर इस सेक्टर से बस 2% टैक्स मिलता है। सिर्फ उद्योग ऐसा विभाग है जिसका जीडीपी में हिस्सा 18% है मगर 40% टैक्स इंडस्ट्रीज से ही जमा होता है, जबकि तनख्वाहदार मुलाजिम मानव संसाधन का सिर्फ 2% बनते हैं लेकिन देश की टैक्स आमदनी में उनका हिस्सा 15% है। पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ बताई जाती है। इतनी आबादी में से सिर्फ 65 लाख लोग और निजी और सरकारी इदारे टैक्स अथॉरिटीज के पास रजिस्टर हैं, मगर रजिस्टर होने से कुछ नहीं होता क्योंकि इनमें से आधे अपनी उतनी कमाई ही कागज़ पे दिखाते हैं कि जिस पर वैसे भी टैक्स नहीं लगता। सरकार जब भी टैक्स चोरी के खिलाफ डंडा घुमाती है तो टैक्स चोर तरह तरह के हीले बहाने बना के इतना शोर मचाते हैं कि सरकार घबरा के पहले से टैक्स देने वालों पर और बोझ डाल देती है। मगर अब तो इससे भी काम नहीं चल पा रहा। साल भर में जितना टैक्स इकट्ठा होता है उससे ज़्यादा तो वो ब्याज है जो हर सरकार को पिछली हुकूमतों के उठाए कर्जों पे देना पड़ रहा है। हालत ये हो गई है कि अब ब्याज की किस्त देने के लिए भी नया कर्जा लेना पड़ रहा है। फिर भी ये देश चलता ही चला जा रहा है ना चमत्कार।